क्या आप जानते हैं कि बीज कैन फ्लाई ओवर माउंट एवरेस्ट? क्या आप जानते हैं कि जो बीज होती है वो माउंट एवरेस्ट से ऊपर तक फ्लाई उड़ सकती है? अब करीब 29,525 फीट अबव द सी लेवल। आपको इस वीडियो में ऐसे अमेजिंग और गजब फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि शार्क कैन लिव अप टू 500 इयर्स? क्या आप जानते हैं कि शार्क, जो ग्रीनलैंड की शार्क होती है, वो 500 इयर्स तक जिंदा रह सकती है? एंड जो ऑल वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं वो करीब 150 इयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि शार्क्स आर ओल्डर देन ट्रीज? इसका मतलब शार्क ट्री से ओल्ड है, मतलब शार्क इस धरती पर एस्टिमेट 400 मिलियन इयर्स से रहती आ रही है, और विच इज अबाउट 50 मिलियन इयर्स लॉन्गर देन द ट्रीज। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, इफ यू फॉल एन आंट फ्रॉम अ हाइट इट विल नॉट डाई। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी चींटी को किसी ऊंची बिल्डिंग या फिर कोई ऊंची जगह से आप उसको गिराते हैं तो वो नहीं मरेगी, क्योंकि चींटी का वेट बहुत ही हल्का होता है और चींटी के पास एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब रॉक हार्ड एक्सोस्केलेटन जो कि हमारे शरीर के बाहर होता है, वो सिर्फ कॉकरोचेस एंड्स इनके पास ही होता है, इसलिए चींटी नहीं मरती ऊंची जगह से। दैट्स व्हाई आंट कैन नॉट डाई इफ यू फॉल एन आंट फ्रॉम अ हाइट। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि जब अर्थ पर ट्री एग्जिस्ट नहीं करते थे, जब व्हाइट जाइंट मशरूम्स एग्जिस्ट करते थे, बिकॉज दैट टाइम देयर वर लार्ज एंड टॉल 24 फीट फंगी टॉलर एंड 3 फीट वाइड। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, आईफिल टावर ग्रोज इन समर। क्या आप जानते हैं कि आईफिल टावर और भी टावर्स है वो बढ़ जाते हैं, मतलब उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है इन समर ड्यू टू हीट एक्सपेंशन। हीट एक्सपेंशन के कारण उनकी हाइट ग्रो करने लग जाती है, लेकिन ये सिर्फ खाली समर में होता है। और आईफिल टावर 6 इंचेस तक ग्रो करता है समर में हीट एक्सपेंशन के कारण। दैट्स गजब। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर फैक्ट से भरी हुई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बढ़ते हैं फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि जो रोड पे जो बाइक, स्कूटी, कार और यहाँ तक कि एरोप्लेन, उनके टायर हमेशा ब्लैक ही क्यों होते हैं? तो सुनो, 1888 में प्योर रबर के टायर चलते थे जो कि व्हाइट कलर के होते थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो व्हाइट प्योर रबर जब रोड पर चलता था तो जब रोड गर्म होती थी उसमें से हीट निकलती थी रोड में, तब वो व्हाइट प्योर रबर टायर पिघलने लग जाता था। तो साइंटिस्ट ने इसमें कुछ डेवलपमेंट किया। साइंटिस्ट ने प्योर रबर के साथ साथ इसमें ब्लैक कॉपर भी ऐड कर दिया, जिससे टायर की मजबूती और पिघलता नहीं था टायर। और जब ये
पिघलता था तो वो बिल्कुल भी नहीं पिघलता था, खाली एक ब्लैक कॉपर की वजह से।